हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त निर्मल राठौड़ और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्किल अप इन्फो में। दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। दोस्तों आजकल क्या हो रहा है, यदि आप अपने मोबाइल में या अपने कंप्यूटर में क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करते हैं तो भैया एक बहुत बड़ी समस्या इस समय चल रही है कि आप किसी भी साइट को ओपन करते हैं तो आपकी वो साइट ओपन नहीं होती है और आपको बोलती है कि ये साइट सिक्योर नहीं है। तो भैया इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और दोस्तों इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं यदि आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो। और दोस्तों यदि आप कोई वेबसाइट नहीं चलाते, आप केवल ब्राउजिंग करते हैं, तो आपको भी कैसे ये इस चीज़ को फिक्स करना है अपने क्रोम ब्राउजर में, तो हम आपको आज पूरी डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहे, तो चलिए जानते हैं कि आप कनेक्शन नॉट सिक्योर वाले इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज वो हम आपको एरर बता रहे हैं जो कि आपको गूगल क्रोम पर सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है और दोस्तों ये आपके मोबाइल और डेस्कटॉप पर भी आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप इस एरर को अपने मोबाइल या लैपटॉप पर फिक्स कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप अपनी वेबसाइट चलाते हैं तो आप इस एरर को कैसे हटा सकते हैं। दोस्तों ये जो एरर आता है ये आता है आपकी SSL की वजह से। यदि आपका SSL सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा तो आपको ये एरर देखने को मिलता है। तो दोस्तों दिखाता हूं मैं आपको कैसे आपको ये एरर दिखाई देता है। तो हमने यहाँ पर एक साइट ओपन करके रखी, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा एक डोमेन है inhindi.in। दोस्तों इस हम जब साइट को इसको ओपन करते हैं तो हमारे सामने एक ऐसा आता है जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। दोस्तों मैं आपको बता दूं ये एरर क्यों आता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं ये एरर आपके SSL की मदद से आता है, जैसे कि आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर हमारे SSL जो है, हमारा जो HTTP है, ये हमारी साइट जो है रीडायरेक्ट नहीं हो पा रही है HTTPS में, तो इसलिए हमें ये एरर दिखाई दे रहा है। और दोस्तों गूगल मानता है कि यदि आपकी साइट HTTPS में रीडायरेक्ट नहीं हो रही है तो भैया आपकी साइट सिक्योर नहीं है, इसलिए आपको गूगल क्रोम ऐसा एरर देता है। अब दोस्तों यदि आप एक वेबसाइट ओनर हैं तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं और दोस्तों यदि आप एक यूज़र हैं तो आप इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों पहले मैं बात करूँगा कि यदि आप एक उपभोक्ता हैं, आप किसी कोई भी साइट को सर्च करते हैं तो आप कैसे उस चीज़ को फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होता है, आपको यहाँ पर एडवांस का ऑप्शन दिखाई देता होगा अपने डेस्कटॉप या अपने मोबाइल पर, तो आपको जो यहाँ पर एडवांस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है इस प्रकार से। और दोस्तों नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा होगा, ये यहाँ पे एक नीचे आ रहा होगा प्रोसेस टू प्रोटेक्ट करके आ रहा है यहाँ पर, ये तो यहाँ पर जो है प्रोसेस टू inhindi.in अनसेफ, तो आपको क्या कर देना है इस पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करते हैं तो ये आपका एरर यहाँ पर फिक्स हो जाता है। दोस्तों मैंने अक्सर यूट्यूब पर देखा है कई लोग बहुत लंबी लंबी वीडियो बना देते हैं और बहुत कुछ फेंकते हैं इस वीडियो में, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, केवल एक दो मिनट की ट्रिक, दो सेकंड की ट्रिक है, मिनट भी नहीं बोलूंगा, दो सेकंड की ट्रिक है और आप इसको फिक्स कर सकते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ यदि आप एक वेबसाइट ओनर हैं तो आप इस एरर को कैसे फिक्स कर सकते हैं। दोस्तों यदि आपकी वेबसाइट में SSL लगा है लेकिन तब भी आपको ये एरर फिक्स नहीं हो रहा है तो इसके लिए आपको क्या करना है। दोस्तों आपको जाना है क्लाउडफ्लेयर एक नाम की एक वेबसाइट है, तो हम आपको बता देते हैं ये वेबसाइट आपको ओपन कर लेनी है जिसका नाम है क्लाउडफ्लेयर। दोस्तों ये एक प्रकार का CDN है, इसकी मदद से आप अपनी वेबसाइट के SSL को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं और गूगल को अपनी वेबसाइट के बारे में बता सकते हैं। दोस्तों यदि गूगल की लिस्ट में आपकी वेबसाइट यहाँ पर जो है सही होगी या उसकी लिस्ट में आपकी वेबसाइट कोई स्पैमिंग नहीं होगी तो आपकी वेबसाइट यहाँ पर ऐसा शो नहीं करेगी। तो दोस्तों ऐसा देख लीजिए, आपको दिखाई दे रहा होगा क्लाउडफ्लेयर, तो क्लाउडफ्लेयर में आपको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। ये एक तरीके का CDN होता है जो कि आपके कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का काम करता है। दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, आपको जो है अपनी वेबसाइट को ऐड कर लेना है और दोस्तों यहाँ से मिलेंगे आपको कुछ नेम सर्वर, आपको जाकर अपने डोमेन पर लगा देने हैं। लगाने के बाद में आपका जो SSL सर्टिफिकेट होगा वो पूरी तरह से सिक्योर हो जाएगा और आपको ऐसा एरर फिर कभी नहीं दिखाई देगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भैया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को करें शेयर और लाइक करना नहीं भूलना है। यदि आपका कोई सुझाव है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, हम आपकी समस्या को बिल्कुल सॉल्व करेंगे, आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होने देंगे। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, वंदे मातरम।